मोदी डेज को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता है कि इंडिया में ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जो हम नमस्ते करते हैं वो तरीका इख्तियार करें, तो हमारा तरीका अच्छा है, तो उस तरीके को मैं तोड़ना चाहता हूँ, मैं हाथ मिलाता हूँ। इसलिए सलाम कर रहे हैं किसी को, कोई नहीं, मसला नहीं। तो कोई बात नहीं है, अगर आप कुछ भी नहीं होगा। आप ये देखिए, आप ये उसने अपना ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, देखिए अब ये तरीका जो है, आप ये नमस्ते का जो तरीका, मैं तो इस वक्त नहीं कर रहा। पहले सिंध में हमारे यहाँ आमतौर पर हाथ बांधने का तरीका है, जिसके मतलब नमस्ते नहीं होता है, वो भी सलाम करने के बाद, आज ही का तरीका है, आज ही का है। तो हमारे यहाँ पर तो हमने वो तरीका हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन कल से हमने छोड़ दिया है। जब से वो उन्होंने हमने देखा है कि वो कहते हैं कि हमारा ये नमस्ते का तरीका वो दुरुस्त था, आज 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 वो फिर दिखा रहे बड़े बड़े लोगों को कि साहब जो मिल रहा है, साइंस मिलाते हाथ खींच लेते हैं जी, कोई मिलाता है, कोई सदर आ रहा है यूरोप में, तो आम सी बात, आम बात, हाथ हटा रहे, तो अब वो नमस्ते कर रहे हैं ऐसे। तो हम इसको तोड़ना चाहते हैं, इस नमस्ते के स्टाइल को, और हम कहते हैं कि ये गलत है, और हम हाथ मिला रहे हैं, हम कोई परवाह नहीं कर रहे हैं किसी बात की, क्योंकि कोरोना हमारे हमारे विल से ज्यादा ताकतवर नहीं है, और हमारे ईमान से ज्यादा ताकतवर नहीं जी, है। अच्छा, बिल गेट्स ने एक सेमिनार में 2015 में कुछ जिक्र किया था वायरस का। भाई एक तो एक वीडियो ऐसी भी आई है कि उससे क्लिप हम चलाते हैं। सद्दाम हुसैन से ये कहा गया, सद्दाम हुसैन ने ये कहा कि मुझे ये धमकी दी थी कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम आप पर कोरोना से हमला कर देंगे। अब ये आर्टिफिशियल है या सही है मालूम नहीं है, लेकिन एक वीडियो मेरे पास वो भी आई है जी। पहली बात, चाचा ने सही कहा है, उन्हें नमस्ते नहीं करना चाहिए और उसके बदले लोगों से हाथ मिलाना चाहिए, और इस शुभ काम की शुरुआत उन्हें चाइना जाकर करनी चाहिए, ताकि चाचा की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और इससे चाइना और पाकिस्तान के बीच की दोस्ती भी बढ़ जाए और कोरोना वायरस के केसेस भी थोड़ा बढ़ जाए। चाचा ने तो बोल दिया है कि हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा। WHO अगर मना करता है तो क्या हो गया? WHO चाचा से थोड़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। चाचा एक शो में जितनी जानकारी देते हैं पाकिस्तान को, वो अगर WHO एक बार देख ले तो वो चाचा के पैरों में पड़ जाए। और आप अगर मेरी पहली की वीडियो देखे चाचा के बारे में, तो आपको भी पता चल जाएगा कि चाचा को मैजिक भी आता है, और उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी आर्मी कैसे मैजिक के जरिए अमेरिकन आर्मी को हरा सकता है। तो चाचा को कोई कम ना समझे, अगर चाचा को गुस्सा आ गया तो ये चाचा चौधरी को भी मैजिक से अमेरिका भेज देंगे। ऑन अ सीरियस नोट, डोंट लिसन टू दिस इडियट, लोगों से हाथ मत मिलाइए कुछ महीने। चाचा की बात सुन के आज पाकिस्तान का हाल बेहाल है, और अगर नमस्ते नहीं करना तो उसके अलावा भी बहुत रास्ते हैं हेलो करने के। चाचा ने अगर अपने ईगो के चलते ज़बरदस्ती लोगों से हाथ मिलाना स्टार्ट कर दिया तो चाचा भी मरेंगे, और जिससे हाथ मिलाएंगे वो भी कोरोना वायरस इफेक्टेड होगा। सो प्लीज़ बी सेफ।